हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल सिविल। तो चलिए हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिक्स मेथड के बारे में। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बाजू में एक बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नई नई टेक्निकल अपडेट्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और एक जरूरी बात कि अगर आपने अब तक हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा जो कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के ऊपर था तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो था। उस वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी या फिर ऊपर आई बटन है, आप वहां से भी जाके उस वीडियो को आसानी से देख सकते हो। चलिए तो बात करते हैं मैट्रिक्स मेथड के बारे में। मैट्रिक्स मेथड एक बहुत ही ज्यादा सिंपल और इंपॉर्टेंट मेथड है और इसकी कुछ बेसिक चीजें पहले हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर और आखिर में एक एग्जांपल को सॉल्व भी करेंगे इस मेथड के ऊपर, ठीक है। तो पहले बेसिक चीजों की अगर बात करें तो बेसिक चीजों के अंदर सबसे पहली चीज और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स मेथड कहां और क्यों और किस लिए यूज होता है, ठीक है। तो देखिए, मैट्रिक्स मेथड की अगर हम एक इसका फंक्शन कहें, इसका यूज कहें कि ये कहां यूज होता है, तो सिंपल भाषा में, आसान भाषा में अगर कहें तो इनडिटर्मिनेट मेंबर को एनालाइज करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। इनडिटर्मिनेट मेंबर को एनालाइज करना मतलब क्या, तो उसके अंदर जो भी एक्शंस है, रिएक्शंस है, बेंडिंग मोमेंट है या फिर शियर फोर्स है, ये सारी चीजों को पता करना, कैलकुलेट करना, जानना, निकालना, इन सारी चीजों को जब हम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो इसे हम कहते हैं एनालिसिस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एनालाइज करना। तो इस पर्पस के लिए हम मैट्रिक्स मेथड को यूज करते हैं, स्पेशली फॉर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अब इस मेथड को अप्रोच करने के दो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। कौन कौन से तरीके होते हैं, तो एक तो होता है स्टीफनेस मैट्रिक्स मेथड और दूसरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। नाउ व्हाट इज स्टीफनेस एंड व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने आपको बताया था, उसके अंदर समझाया था अच्छी तरह से कि भाई स्टीफनेस क्या होता है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो एक बार फिर से जान ले, सुन ले, समझ ले कि व्हाट इज स्टीफनेस ऑफ मेंबर, क्योंकि मेथड को जानने से पहले उस मेथड का मतलब पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। देखिए, स्टीफनेस को अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं कि स्टीफनेस क्या होता है, तो देखिए किसी भी मेंबर को, हम कहें इनडिटर्मिनेट मेंबर, हम अगर मैट्रिक्स मेथड के रिस्पेक्ट में बात करें तो इस मेंबर का जो फ्री एंड या फिर हम कह सकते हैं सिंपली सपोर्टेड एंड, अगर सिंपली सपोर्टेड एंड के ऊपर हमें यूनिट डिस्प्लेसमेंट देना है तो उस यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड एक्शन होती है, एक्शन रिक्वायर्ड फॉर द यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट द सिंपली सपोर्टेड एंड ऑफ द मेंबर इज कॉल्ड द स्टीफनेस ऑफ दैट मेंबर। ये एक बहुत ही सीधी और सरल डेफिनेशन है जिसे आपको समझना है और याद रखना है, ठीक है, इसको रटना नहीं है, ठीक है, समझना है। अब हम बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी बारे में। तो देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको स्टीफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर सिमिलैरिटी दिखेगी लेकिन है नहीं, ये बिल्कुल एक दूसरे से इन्वर्स है, अपोजिट है। किस तरह से, ध्यान से सुनिएगा इस डेफिनेशन को। चलिए, तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि भाई स्टीफनेस क्या होता है, कि यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए जो एक्शन रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं स्टीफनेस ऑफ दैट मेंबर। नाउ व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी, तो यूनिट एक्शन की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, फिर से सुने, यूनिट एक्शन की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो इन दोनों चीजों के अंदर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, हालांकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, दोनों भी समझना, ठीक है। तो हमने बहुत ही सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट के जरिए बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम आज इस वीडियो के अंदर स्पेशली बात करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं और एक एग्जांपल को सॉल्व करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। तो हम पहले स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड के कुछ स्टेप जान लेते हैं कि किस तरह से आपको स्टेप्स कब कब फॉलो करने हैं और क्यों फॉलो करने हैं। अब देखिए, कई वीडियोज अगर आप देखोगे यूट्यूब के ऊपर ही, तो आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर आपको 9, 10, 11, 12 तक स्टेप इसके अंदर आपको दे रखे हैं, बता रखे हैं, समझा रखे हैं, लेकिन आपको इतने सारे स्टेप को याद रखने की बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसके आपको मैं बिल्कुल सिंपल और मेजर 3 स्टेप बताऊंगा और उन स्टेप को मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा, इस तरह से आपको मैं फॉलो करवाऊंगा कि आपको उसके अंदर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कौन से स्टेप की बात क्या करना है, खुद ब खुद एक स्टेप का फॉर्मूला, वो स्टेप आपको खुद बताएगा कि आगे आपको क्या करना है, ठीक है। शर्त यह है कि आपको आगे भी आखिर तक इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीटली देखना है, ठीक है। और अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। चलिए, तो अब बात करते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड के कुछ बेसिक स्टेप्स के बारे में, 3 स्टेप
जैसे मैंने आपको कहा है कि मैं सिर्फ आपको तीन स्टेप बताऊंगा और उन्हीं तीन स्टेप के अंदर आपका पूरा एग्जाम्पल यहाँ पर पूरी एनालिसिस खत्म हो जाएगी। ठीक है, हम बात करते हैं पहले मेथड के बारे में, पहले स्टेप के बारे में। ठीक है, पहला स्टेप आपका कौन सा होगा इसके अंदर, तो वो होगा कि भाई जो भी आपका मेंबर आपको दे रखा है उस मेंबर के ऊपर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर दीजिए, रोटेशन फाइंड आउट कर दीजिए, या फिर हम उसे कह सकते हैं नोडल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करें। ठीक है, नोडल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करें। जैसे मैंने बताया कि भाई पहला स्टेप के अंदर आपको नोडल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, मतलब उसका एक फॉर्मूला होता है, नोडल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज डी इज इक्वल टू एस इनवर्स ऑफ ए डी माइनस ए डी एल। ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको फर्स्ट स्टेप के अंदर कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। अब इसके अंदर जो भी टर्म्स हैं वो आपको निकालनी है, इसके अंदर आपको कोई चीज रटने की जरूरत नहीं, याद नहीं रखना है कि भले मुझे पहले ये करना है फिर वो करना है फिर उसके बाद वो करना है। आप बस इस फॉर्मूले को लिख दीजिए, इस फॉर्मूले के अंदर देख लीजिए कि कौन कौन सी चीजें आपको निकालने की जरूरत है, बस उसी की तरह आप आगे चलिए। तो आपको देखिए ये एस इनवर्स जो है इसे हम कहते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स। एस को क्या हम कहते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स। एस इनवर्स के लिए आपको पहले स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालनी होगी। वो किस तरह से निकालेंगे हम वो आगे इस वीडियो के अंदर जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरी टर्म यहाँ पर है एडी की। नाउ व्हाट इज एडी, देखिए एडी समझ लीजिए, एडी इज नथिंग बट एक्शन ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्प्लेसमेंट है या फिर जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो। ठीक है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट की वजह से एक्शन। और ये जो है ये एडीएल मतलब क्या है ये भी आपको निकालना होगा। ठीक है, और एडीएल क्या होता है, एडीएल इज नथिंग बट द एक्शन ड्यू टू द लोडिंग। ठीक है, लोडिंग की वजह से जो एक्शन या फिर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे कहते हैं हम एडी। ठीक है, तो ये तीन टर्म यहाँ पर मेन है जो आपको कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है। आपको यहाँ पर रटने की कोई जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू एस इनवर्स इन टू एडी इन माइनस ए डी एल। ठीक है, तो ये एक पहला स्टेप था जिसके अंदर आपको ये टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका होगा, उसके हम कहते हैं मेंबर एंड एक्शंस या फिर बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब मेंबर एंड एक्शन और बेंडिंग मोमेंट दोनों भी सिमिलर चीज है, आपको इसके अंदर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब इसके अंदर आपको करना क्या होगा कि बेंडिंग मोमेंट निकालनी होगी, जैसे फिक्स एंड मोमेंट है या फिर स्पान मोमेंट है, इसके लिए भी एक मेन फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके लिए भी क्या होता है फॉर्मूला होता है। ये आपका पहला स्टेप था, सेकंड स्टेप आपका इसके अंदर होगा बेंडिंग मोमेंट या फिर एंड या फिर मेंबर एंड एक्शन में से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेंबर एंड एक्शन, इसे हम डिनोट करते हैं ए एम से। ओके, मेंबर एंड एक्शन को हम ए एम से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है दैट इज ए एम एल प्लस ए एम डी इंटू कैपिटल डी, ए एम एल प्लस ए एम डी इंटू कैपिटल डी। अब ये फॉर्मूला अगर आप समझ लोगे तो इस फॉर्मूले को आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर आपको कौन से स्टेप फॉलो करने हैं दूसरे वो भी आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या है ए एम एल आपको दे रखा है, यहाँ पर तीन टर्म है टोटल, ए एम एल ए एम डी और डी। ए एम एल मतलब क्या है भाई कि मेंबर एंड एक्शन ड्यू टू लोडिंग। AML का मतलब क्या है कि मेंबर एंड एक्शन ड्यू टू लोडिंग। ठीक है, या फिर मैं इसे कह सकते हैं कि भाई जो भी लोडिंग की वजह से जो एंड मोमेंट क्रिएट हो रही है वो। ठीक है, और AMD मतलब क्या है, तो भाई मेंबर एंड एक्शन ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो हमने डिस्प्लेसमेंट दिया था यूनिट वो। ठीक है, तो उसकी वजह से जो मेंबर एक्शन एंड एक्शन हो गए वो। और डी जो है ये नोडल डिस्प्लेसमेंट जो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर फाइंड आउट किया था वो मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास ऑलरेडी है। मतलब आपको दो यहाँ पे फाइंड आउट करना है स्टेप के अंदर। ठीक है, तो ये दो स्टेप हमने यहाँ पर बड़ी आसानी से देख लिया। आप सारी चीज़ें किस तरह से निकालनी है ये हम एग्जाम्पल के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से डिस्कस करेंगे, तो इसके लिए आप चिंता ना करें। ठीक है, थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप्स के अंदर आपका होगा दैट इज मेंबर एंड रिएक्शंस। क्या होगा, मेंबर एंड रिएक्शन, इसे हम डिनोट करते हैं यहां पर ए आर से। ओके, ये रिएक्शन होते हैं मेंबर एंड रिएक्शन, या फिर हम इसे कह सकते हैं शियर फोर्स। इसके अंदर आपको अल्टीमेटली करना क्या होता है, एक शियर फोर्स डायग्राम को प्लॉट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शंस। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है मेन, ये फॉर्मूला होता है ए आर एल प्लस ए आर डी इंटू कैपिटल डी। ठीक है, तो इसके अंदर ए आर एल क्या है, तो मेंबर एंड रिएक्शन ड्यू टू लोडिंग और मेंबर एंड रिएक्शन ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट, और ये डी मैट्रिक्स तो आपको पता है फर्स्ट स्टेप के अंदर जो हमने निकाली थी वो। तो कुल मिला के ये तीन स्टेप है जो आपको समझने हैं, जो आपको याद रखने हैं, और इन्हीं तीन स्टेप को आपको फॉलो करना है। जो भी टर्म इसके अंदर अननोन है उसे नोन करना है, उसे कैलकुलेट करना है, और सिंपली आपको इस मेथड को आपको फिनिश करना है। ठीक है, एनालिसिस को फिनिश करना है। चलिए, तो हमने ये तीन बेसिक स्टेप देख लिए। अब इन तीन बेसिक स्टेप के अंदर जो भी टर्म है, जो अननोन टर्म्स होती है, उन्हें किस तरह से नोन किया जाए, किस तरह से फाइंड आउट किया जाए, ये हम एक एग्जांपल को लेकर डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ,
तरफ, तो चलिए सीधे हमारे चलते कंप्यूटर, चलिए तो आ चुके हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और ये रहा एग्जांपल बिल्कुल आपके सामने, जिसके अंदर आपको कहा गया है एनालाइज द बीम शोन इन फिगर बाय स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। इसका मतलब ये है कि स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करके आपको फिगर के अंदर बताए हुए बीम को एनालाइज करना है। ठीक है, एनालिसिस के अंदर कौन कौन सी चीजें आपको करनी है परफॉर्म, ये मैंने आपको पहले बताया है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार जरूर देख ले इस बीम को ध्यान से कि कौन कौन सी चीजें हमें इस बीम के अंदर दे रखी है, जिससे हमें यह पता चले कि हमें आगे करना क्या है। ठीक है, तो चलिए इस बीम को अगर हम देखें तो इस बीम के अंदर हमें यहां पर तीन सपोर्ट दे रखे हैं, तीन एंड दे रखे हैं, जिसके अंदर एक है सपोर्ट ए जो कि फिक्स है, बी है जो कि सिंपली सपोर्टेड है, और सी है सिंपली सपोर्टेड, या फिर हम इसे रोलर सपोर्ट भी कह सकते हैं। तो यहां पर तीन हमें सपोर्ट दे रखे हैं, एक फिक्स है और दो ऐसे ही सिंपली सपोर्टेड है, और यहां पर दो हमें पॉइंट लोड भी दे रखे हैं जो कि एक 24 का है और एक 12 किलो न्यूटन का है, और जो भी स्पान डिस्टेंस है उसके वो भी हमें यहां पर दे रखे हैं। तो सारी चीजें हमने देख ली, अब हम सीधे आगे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं पहला स्टेप हमें क्या करना है। तो जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया है कि इसके अंदर आपको मेजर तीन स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसके अंदर पहला स्टेप हमारा था डी निकालने का, डी मैट्रिक्स निकालने का, या फिर नोडल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का। देखिए, अगर आपको एग्जाम के अंदर ऐसा सवाल पूछा जाए कि इस बीम के लिए नोडल डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो नोडल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको बेंडिंग मोमेंट या फिर शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने की या फाइंड आउट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ स्टेप वन को ही कंप्लीट कीजिएगा, एक्स्ट्रा टाइम आगे बर्बाद ना करें, इस चीज का खास ध्यान रखें। ठीक है, चलिए, तो नोडल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था फॉर्मूला डी इज इक्वल टू एस इनवर्स इंटू एडी माइनस एडीएल, ये जो फॉर्मूला था इसके अंदर आपको मिलेगा नोडल डिस्प्लेसमेंट। अब इसके अंदर तीन चीजें अननोन थी, मैंने आपको बताया, अगर आपने इस वीडियो को शुरुआत से बिना स्किप किए देखा होगा तो आपको पता होगा मैंने आपको तीन चीजें बताई थी जो कि अननोन रहती है, उसे हमें नोन करना होता है। ठीक है, तो पहली चीज उसके अंदर होगी एस इनवर्स। एस इनवर्स एस क्या होता है, यहां पर एस इज नथिंग बट द स्टिफनेस मैट्रिक्स, तो एस को इनवर्स करने से पहले हमें एस निकालना होगा। ठीक है, एस निकालना होगा, एस क्या होता है, स्टिफनेस मैट्रिक्स। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज परफॉर्म कर लें, वो क्या है, तो वो ये है कि भाई इस बीम के अंदर जो भी आपको बीम दे रहा है उस बीम के अंदर पहले ये देख ले कि यहां पर पॉसिबल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट जॉइंट कितने हैं। ठीक है, यहां पर पॉसिबल ऐसे कौन से कितने नंबर ऑफ जॉइंट है जहां डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर हम अप्लाई कर सकते हैं यूनिट डिस्प्लेसमेंट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, तो कितने पॉसिबल जॉइंट ऐसे हैं वो निकाल ले। अब ये जो हम निकाल रहे हैं इसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। इसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। इसे हम डीके से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर केआई से भी डिनोट कर सकते हैं, तो इसके अंदर कंफ्यूज ना हो आप। ठीक है, यहां पर हमने केआई से डिनोट कर रखा है, और अगर हम देखें कि कितने ऐसे पॉसिबल जॉइंट है, तो वो ये एक है और ये दो है, मतलब दो जॉइंट ऐसे है जो कि सिंपली सपोर्टेड है और जहां पर हम डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दो यहां पर है या फिर डिस्प्लेसमेंट वहां पर हो सकते हैं, ये ऐसे दो जॉइंट है बी और सी, तो हमने यहां पर दो लिख दिए। अगर और एक होता ए बी सी डी होता, तो डी अगर सिंपली सपोर्टेड होता तो वहां पर के आई जो है या डी के जो है वहां पर टू के बदले थ्री आ जाते। ठीक है, तो आपको इसके अंदर कंफ्यूज ना हो, कंसेप्ट एक ही रहेगा, वेरिएबल हो सकते हैं सारी चीजें सपोर्ट वगैरह, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए, हमने यहां पर पहले निकाल लिया कि भाई ये दो यहां पर पॉसिबल नंबर ऑफ जॉइंट जो कि डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है, स्टिफनेस निकालना है। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स आप निकालोगे आप, तो यहां पर देखिए स्टिफनेस मैट्रिक्स S11, S12, S21 और S22 बनेगी। अब आपको एक सवाल यहां पर आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यहां पर हमने 2x2 मैट्रिक्स ही क्यों ली, S11, S12 और S13 क्यों नहीं लिया। तो देखिए, ये जो हमने KI निकाला है इसका मेन पर्पज यही था, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट जॉइंट कितने हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता चलेगा कि भाई जो भी थीटा मिलेगा हमें, हम इसे कह सकते हैं थीटा बी और थीटा सी, या फिर D1 और D2, जो भी आप कहो वो। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पर स्टिफनेस कोफिशेंट बनेंगे वो हमेशा 2x2 मैट्रिक्स के अंदर ही बनेगी। अगर मान लीजिए कि आई की वैल्यू 3 आती, तो आपकी जो मैट्रिक्स की वैल्यू बनती है, आपको जो मैट्रिक्स बनेगी आपकी, वो 3x3 की बनेगी। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका होता है एस मैट्रिक्स को पहले से ही समझने का, जानने का और उसे यहाँ पर लिखने का कि भाई कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनेगी। हाँ, और एक चीज़ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपको पता नहीं है कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, तो कृपया करके इस वीडियो को पॉज करके एक बार मैट्रिक्स समझ ले। हालांकि आपने इंजीनियरिंग मैथ्स के अंदर मैट्रिक्स पढ़ी होगी, लेकिन अगर आप भूल गए हो या अगर आपने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा हो तो एक बार उसे पढ़ लीजिए। हालांकि इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड के अंदर आपको ये सारी चीजें समझ आनी चाहिए, पता होनी चाहिए।
चलिए तो हमने क्या किया यहाँ पर, मैट्रिक्स यहाँ पर रखी है S11, S12, S21 और S22, या फिर हम कह सकते हैं 2x2 मैट्रिक्स। अब ये जो S11 है, S12 है, S21 है, S22 है, ये क्या है? इसे हम कहते हैं स्टिफनेस कोफिशियंट। इसे हम क्या कहते हैं? स्टिफनेस कोफिशियंट या फिर स्टिफनेस मैट्रिक्स कोफिशियंट। ये किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं और ये कहाँ होते हैं, पहले आपको ये बता होना चाहिए। तो देखिए, अब हमें करना क्या होगा कि जो भी आपको एक्चुअल बीम आपका गिवन है, जिसके अंदर जो सपोर्ट है, सिंपली सपोर्ट, उसको आपको फिक्स करना होगा। मतलब आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म करना होगा जो कि फुल्ली रिस्ट्रेंट हो या फिर लॉक्ड हो, ठीक है? तो उसके लिए करना क्या होगा, यहाँ पर जो भी सिंपली सपोर्टेड है उसे फिक्स कर दीजिए, सिंपल। तो आपने क्या किया, बी और सी को फिक्स कर दिया। ओके, हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब क्या करना है आपको कि भाई बी को डिस्प्लेसमेंट 1 देना है। हम यहाँ पर ये 1 ऐसा पहला ऐसा जॉइंट है जहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट देंगे, और ये दूसरा ऐसा जॉइंट है जहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट दोगे। तो यहाँ पे इसे D1 कह देते हैं, इसे D2 कह देते हैं। तो D1 पर हम डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करेंगे 1 यूनिट का, ठीक है? सॉरी, हम यूनिट इसे यहाँ पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट देंगे, और यहाँ पर हम इसे यूनिट डिस्प्लेसमेंट देंगे D2 पर और D1 पर, दोनों के ऊपर हमने डिस्प्लेसमेंट दिया। और डिस्प्लेसमेंट देने के बाद आपको जो डिफ्लेक्टेड स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, जिसे आप यहाँ पर इस डॉटेड लाइन के ऊपर देख सकते हो, ठीक है? इस तरह से आपको एक डिफ्लेक्टेड स्ट्रक्चर बनेगा, मिलेगा। चलिए, तो ये जो डिफ्लेक्टेड बीम स्ट्रक्चर है, या फिर जो हमने डिस्प्लेसमेंट अप्लाई किया है, अब यहाँ पर S21, S12 और S22 को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए और इसका मतलब किस तरह समझा जाए। तो देखिए, S11 यहाँ पर होगा। अब 11 का मतलब क्या होता है? 11 का मतलब होता है कि 1 के ऊपर 1 की वजह से डिफ्लेक्शन या फिर इफेक्ट, ठीक है? स्टिफनेस कोफिशियंट जो होता है 1-1, इसका मतलब क्या होता है कि 1 के ऊपर 1 की वजह से इफेक्ट। ये क्या होगा कि भाई 2 के ऊपर 1 की वजह से, 2 के ऊपर 1 की वजह से, यहाँ पे क्या होगा 1 के ऊपर 2 की वजह से, और यहाँ पर क्या होगा 2 के ऊपर 2 की वजह से। हमेशा इस चीज़ को याद रखें, जिसके ऊपर हो पहले यहाँ वो लिखे, और जिसकी वजह से लग रहा हो वो बाद में लिखे। अगर आप ये समझ जाओगे तो आपको आगे कितनी भी लंबी अगर मैट्रिक्स हो, या कितने भी लंबे अगर सपोर्ट हो या जॉइंट हो, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसे समझ लोगे तो, ठीक है? तो हमने क्या किया कि भाई S11, S12, S21, S22 को समझ लिया। अब इनकी वैल्यू को किस तरह से निकाली जाए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सिंपल चीज़ है वैसे, ठीक है? देखिए, S11 की अगर बात करें तो S11 जो है दोनों तरफ से दो फिक्स सपोर्ट से घिरा हुआ है, जिसका इफेक्ट हमने यहाँ पर डिफ्लेक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 1 पर दे रखा है, बीच में दे रखा है, तो इसका इफेक्ट इधर भी होगा और इसका इफेक्ट इधर भी होगा, ठीक है? और यहां पर ये दोनों, देखिए यहां जहां पर आप अप्लाई कर रहे हो उसके जो फार एंड होते हैं, अगर वो फिक्स होते हैं तो ये 4EI/L होता है, ठीक है? अगर फिक्स है, फार एंड फिक्स है, तो 4EI/L होगा। हमने ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी देखा था, ठीक है? फार एंड फिक्स हो तो 4EI/L होगा, ठीक है? तो ये फार एंड दोनों भी फिक्स है उसके, तो ये 4EI/L इधर से होगा और एक 4EI/L इधर से होगा, मतलब ये दो 4EI/L हो जाएगी। तो ये 4EI/L1 प्लस 4EI/L2, L1 यहाँ पर क्या है तो ये 10 है, और L2 भी यहाँ पर क्या है 10 है, इसलिए 4EI/10 करो तो ये 0.8EI आ जाएगा आपका आंसर। S11 क्या क्या आंसर आएगा, 0.8EI, ओके, इससे सॉल्व करने के बाद। अब अगर हम बात करें S21 के ऊपर कि भाई S21 के ऊपर क्या है, स्टिफनेस कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी, तो वो कितनी होगी, तो देखिए ये यहाँ पर देखिए, अब ये ऐसा जॉइंट है जहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, जहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, बट स्टिल इट इज अफेक्टेड बाय द फार एंड, ये फिर भी अफेक्टेड है इस एंड से। यहाँ पर हमने किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है बट इट इज अफेक्टेड, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा 2EI/L, ओके। ऐसा जॉइंट जहाँ पर खुद पर हमने उसे वहीं पर हमने डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो उसके जो आजू बाजू वाले सपोर्ट है वहाँ पर 4EI/L होगा। और ऐसा जॉइंट जहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है लेकिन बट स्टिल इट इज अफेक्टेड बाय द अदर एंड, तो उसे हम कोई वहाँ पर क्या करेंगे 2EI/L लेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें S12 की, तो S1 के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर इस 1 पॉइंट के, 1 डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हमने यहाँ पर किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी ये अफेक्टेड है 2 की वजह से, ये अफेक्टेड है 2 की वजह से, तो यहाँ पर क्या होगा 2EI/L होगा। 1-2 क्या होगा 2EI/L होगा, और जो 2-2 है वहाँ पर हमने
डिस्प्लेसमेंट दिया है और वो खुद की वजह से भी अफेक्ट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 4EI/L होगा। तो इस चीज़ को आपको समझना है और ध्यान से इस चीज़ को सॉल्व करना है। एक एक वैल्यू का इसके अंदर अपना इंपॉर्टेंस होता है। कन्फ्यूज़ ना हो, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन इसके अंदर रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किया कि सारे जो कोफिशेंट थे एस मैट्रिक्स के वो हमने निकाल लिए। अब क्या करना है आपको, उस मैट्रिक्स के अंदर ये सारे कोफिशेंट की वैल्यू रख देनी है। तो 0.8EI, 0.2EI, 0.2EI और 0.4EI हमने रख दिया। अगर हम इससे EI को कॉमन निकाल ले तो ये सिंपल एक मैट्रिक्स आपके सामने इस तरह से आपको मिलेगी, 0.8, 0.2, 0.2 और 0.4, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको निकालना होगा S इनवर्स। आपको क्या करना है, आपको मेन फार्मूला जो आपका है वो S इनवर्स है, ठीक है, आपका ये मेन फार्मूला है। तो आपको इसके अंदर S इनवर्स की जरूरत पड़ेगी भाई साहब। अब X इनवर्स किस तरह से निकाला जाता है, उसका फार्मूला होता है दैट इज 1/mod(S) * एडजॉइनिंग मैट्रिक्स S, ठीक है, एडजॉइनिंग ऑफ S। तो यहां पर जो है मोड ऑफ S आपको पहले निकालना होगा। मोड ऑफ एस किस तरह से निकाला जाता है, तो देखिए ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, 0.8 इंटू 0.4 कर दीजिए, माइनस 0.2 इंटू 0.2 कर दीजिए, तो ये 0.28 EI आएगा। क्या आएगा, 0.28 EI, ये आपको मोड ऑफ एस मिल चुका है। अब आप सिंपली यहाँ पढ़ सकते, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, S इनवर्स निकाल सकते हो। अब आप कहोगे कि एडजॉइनिंग मैट्रिक्स S किस तरह से निकाली जाती है, तो ये एक बहुत सिंपल चीज़ है, आपने इंजीनियरिंग मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा कि भाई एडजॉइनिंग S किस तरह से निकाला जाता है। मैट्रिक्स के अंदर अगर उसको एडजॉइन करना है, एडजॉइन निकालनी है, एडजॉइनिंग मैट्रिक्स आपको निकालनी है, तो क्या करना होता है कि जो यहाँ पे जो ये निक आपको दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, इसको आपको इंटरचेंज करना होता है और यहाँ पर आपको साइन इंटरचेंज करनी होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये 0.4 की जगह 0.8 कर दिया और 0.8 की जगह 0.4 कर दिया और यहाँ पर आपने माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये एडजॉइनिंग मैट्रिक्स बन गई है और 1/mod(S) तो आपने फाइंड आउट कर रखा है। तो S, इस तरह से आपको S इनवर्स की मैट्रिक्स यहाँ पर मिल चुकी है। आपको क्या, आपके क्या मिला है, इनवर्स मैट्रिक्स इजीली मिल चुकी है। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो, कोई शिकायत हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए, अब यहाँ पर आपका जो मेन फॉर्मूला था वो क्या था, डी इज इक्वल टू एस इनवर्स ऑफ AD माइनस ADL। आप कहोगे कि आपने ये माइनस एस इनवर्स इंटू ADL क्यों कर रखा है भाई, ठीक है। तो देखिए इसके पीछे भी एक कंसेप्ट है, एक लॉजिक है कि आपको यहाँ पर एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है। क्यों एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों है, तो अगर आप इस फिगर के अंदर देखोगे ध्यान से, तो यहां पर आपको किसी तरह का कोई मोमेंट या यहां पर रिएक्शन नहीं दे रखा है। हाँ, अगर इन जॉइंट के ऊपर, ये जो डिस्प्लेस जॉइंट है, डिस्प्लेसेबल जॉइंट है, यहाँ पर अगर आपको कोई किसी तरह का मोमेंट या कोई एक्सटर्नल फोर्स दे रखा होता है तो वहाँ पर AD की वैल्यू कुछ आती, लेकिन चूंकि यहाँ पर कोई किसी तरह का रिएक्शन या जॉइंट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो जीरो वैल्यू आ रही है, इसका मतलब जीरो माइनस ADL दैट इज माइनस ADL हो जाएगा। तो हमने माइनस ADL को ये माइनस साइन इनवर्स कर दिया है, माइनस साइन इनवर्स ADL कर दिया, ठीक है, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे ले लिया हमने। अब चलिए हम बात करते हैं ADL के बारे में, ADL किस तरह से निकाला जाता है, ये भी बहुत आसान है। किस तरह से निकालेंगे हम, तो देखिए आपके पास ये बीम है, आपके पास ये एक बीम है, इस बीम के अंदर आपको ADL 1 निकालना है। ADL 1 मतलब क्या होता है, तो वो होता है एक्शन ड्यू टू लोडिंग, ठीक है। तो लोड 1 की वजह से जो एक्शन होगा वो 24 के अंदर आएगा, ठीक है, लोड 2 की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं, हाँ ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोड 1 या फिर हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट 1 के ऊपर, तो ये क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई कि ये WL/8 होगा और यहाँ से ये WL/8 होगा, ठीक है। तो ये WL/8 माइनस WL/8, यहाँ पर WL/8 इस तरफ से जो WL/8 लोगे वो 24 लेना है उसके अंदर W, और इस तरफ से जो WL/8 लेगी उसके अंदर W12 होगा, और L यहाँ पर जो है दोनों तरफ से इस पूरे स्पान का लेना है आपको, कितना इस पूरे स्पान का आपको L लेना है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर जो L होगा वो 10 मीटर का होगा, ठीक है। WL/8 के अंदर L जो है वो 10 मीटर होगा, दोनों के अंदर सेम स्पान है, सेम डिस्टेंस है, तो हम सेम लेंगे 10 मीटर। इस तरह से हमने क्या किया, ADL 1 निकाल लिया। ADL 2 की बात करें तो यहां पर हम आ रहे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 2 के ऊपर, ठीक है, लोडिंग की वजह से। तो ये क्या हो रहा है, यहां पर 12 मतलब WL/8 होगा फिर से यहां पर, तो 12 × 10/8 होगा, यही हमने कर रखा यहां पर, ओके, इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो हमने क्या किया, ADL 1 और ADL 2 निकाल लिया, इसका मतलब ADL मैट्रिक्स हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अब क्या करेंगे हम, अब जो मेन फॉर्मूला हमारे पास था, D इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ ADL दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ 1/0.28 EI, ये होता, ये क्या हमारे पास है, साइन इनवर्स, सॉरी S इनवर्स, ठीक है, S इनवर्स इंटू,
ये जो मैट्रिक्स हमने निकाली थी ये 0.4 माइनस 0.2 माइनस 0.2 और ये 0.8, ये हमारी एस इनवर्स की मैट्रिक्स थी। और जो एडीएल हमने अभी निकाला है 15 15, ये हमारे पास एडीएल मैट्रिक्स हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमने बड़ी आसानी से यहाँ पर डी के अंदर सारी जो अननोन चीज़ें थी वो नोन कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करना भी बहुत आसान है। ठीक है, चलिए, तो हमने इसे सॉल्व किया। अगर तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ये आपको आंसर मिलेगा 3/9 के अंदर। ठीक है, 1/ अब इसे सॉल्व किस तरह से करोगे आप, दो मैट्रिक्स यहाँ पे आपके पास है, तो किस तरह से सॉल्व की जाती है मैट्रिक्स को, तो 0.4 × 15 प्लस माइनस 0.2 × 15, इस चीज़ को आपको समझना होगा किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ये आपको आना चाहिए, आप इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है, आपने इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ा है, तो इतना आपको नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो इसे समझे, सीखिए और उसके बाद इसे ट्राई करें। ठीक है, चलिए, तो हमने इस तरह से इसको निकालना है, कैलकुलेट करना है। इस मैट्रिक्स को शॉर्ट आउट करोगे तो 3/9 के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, 3/0.8 EI करेंगे, तो ये आपको -10.71 EI मिलेगा। और अगर हम 9/0.28 EI करेंगे तो यहाँ पर -32.14 EI मिलेगा। इसका मतलब आपको ये D1 और D2 जो भी हमने यूनिट डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर दी थी उसकी वजह से जो रोटेशन वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, ये हमने देख लिया। यहाँ पर दोनों आपको मिल चुकी है, इसे हम थीटा बी और थीटा सी भी कह सकते हैं। इसके अंदर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए और आपको कोई यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हो, हम उसे विद इन 24 आवर्स रिप्लाई देंगे, उनका जो भी डाउट हो हम उसे सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि जो पहला स्टेप था जिसके अंदर आपको नोडल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, हम इसे अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं, नोडल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमने ये निकाल लिया बड़ी आसानी से, बड़ी सिंपल तरीके से। चलिए, अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा वो होगा मेंबर एंड एक्शंस का, जो मैंने आपको बताया था सेकंड स्टेप, मेंबर एंड एक्शन, या फिर हम इसे कह सकते हैं बेंडिंग मोमेंट्स। ठीक है, इसका जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है AM = AML + AMD × D। ठीक है, AML क्या होता है, तो मेंबर एंड एक्शन ड्यू टू लोडिंग, और AMD क्या होता है, मेंबर एंड एक्शन ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए, तो AML के अंदर क्या है, तो AML पहले निकालेंगे हम लोग, AML 1, 2, 3 और 4, ये चार चीज आपको पहले निकालनी होगी। अब देखिए, AML 1 क्या होगा, AML 1 होगा भाई के भाई ये जो, इन शॉर्ट हम इसे कह सकते हैं फिक्स एंड मोमेंट, हम इसे क्या कह सकते हैं, हम फिक्स एंड मोमेंट। मैंने आपको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर बताया था फिक्स एंड मोमेंट किस तरह से आपको निकालनी है। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन होती है उसकी। ठीक है, ये क्या होगी, उसकी साइन कन्वेंशन होगी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो एक बार उसे जरूर देखिए, ताकि आपके जो भी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फिक्स एंड मोमेंट आपको निकालनी है, तो वन के ऊपर जो फिक्स एंड मोमेंट होगी वो कितनी होगी, दैट इज यहाँ पर अगर आपको एक बिल्कुल सेंटर के ऊपर पॉइंट लोड गिवन है तो इसका फॉर्मूला होता है -WL/8। ये आपको अगर A पर निकालनी है तो -WL/8 होगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन में आपको एक्सप्लेन कर रखा है लास्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको B पर निकालना है 24 की वजह से, तो ये हो जाएगा +WL/8। ठीक है, -WL/8 मतलब -30 आ रहा है, तो यहाँ पर +30 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें AML3 की, तो यहाँ पर क्या होगा, इस 12 की वजह से, मतलब ये -15 हो रहा है और ये +15 हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि सिंपल तरीके से यहाँ पर जो भी एंड मोमेंट थी या फिर AML थे वो निकाल लिए, लोडिंग की वजह से जो एक्शंस हो रहे थे मेंबर एंड के ऊपर, एंड एक्शंस वो हमने निकाल लिए। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की वजह से, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की वजह से आपको करना क्या है, ये बहुत सिंपल चीज़ है, इसके अंदर भी काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए, एक चीज़ आपको बता दूं यहां पर मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले आप यहां पर जो भी आपने डिफ्लेक्टेड स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने कर रखा है यहां पर, ठीक है, इस तरह से डिफ्लेक्टेड स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लीजिए। और एक चीज याद रखें कि अगर यहां पर जहां पर आपने डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, यहां पर देखिए ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, ये 3rd पॉइंट हो गया और ये 4th पॉइंट हो गया। ठीक है, ये 4 पॉइंट है, यहां पर एंड कितने होते हैं, 4 एंड हो गए यहां पर। ठीक है, अब हर एक एंड के ऊपर ये जो 2 डिस्प्लेसमेंट है इनका इन्फ्लुएंस, इनका इफेक्ट आपको बताना है। ठीक है, अब वो इस इफेक्ट किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे ये देख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट 1 की वजह से 1 के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, उसे हम AMD 1 कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, AMD 1 मतलब 1 के ऊपर 1 की वजह से इफेक्ट। ठीक है, 1 की वजह से मतलब डिस्प्लेसमेंट 1 की वजह से। ठीक है, तो वो कितना होगा, देखिए यहां पर अगर हम इस पॉइंट पर हैं तो यहां पर क्या होगा, ये जो 2 होगा ये 4 EI/L होगा, लेकिन यहां से अगर हम दूर है तो यहां पर ये 2 EI/L होगा। सेम कांसेप्ट जो मैंने आपको अभी प्रीवियसली बताया। ठीक है, यहाँ पर जिस पॉइंट के ऊपर हम हैं और उसके जस्ट नियर या फिर वहीं पर अगर जो पॉइंट है, जो सपोर्ट है, जो एंड है, अगर वहाँ पर हम देखें तो जो AMD होगा
वहां पर 4EI/L होगा, लेकिन अगर उससे दूर है, अगर उससे हम दूर है तो 2EI/L होगा। ठीक है, इस चीज को समझना याद रखना बहुत इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है आपको यहां पर कि भाई अब मान लीजिए यहां पर D1 है, तो D1 यहां पर है, तो ये D1 इस सपोर्ट 1 से तो दूर है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं D1 से सपोर्ट 1 दूर है, तो 1 के ऊपर, सपोर्ट 1 के ऊपर, एंड 1 के ऊपर D1 की वजह से जो इफेक्ट होगा वो 2EI/L होगा। क्या होगा वो 2EI/L होगा। ठीक है, L यहां पर 10 मीटर का, इसलिए 10 ले रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 2 AMD2 की। ये क्या है, AMD2 है, तो ये डिस्प्लेसमेंट जा दे रहे वहीं पर है। ठीक है, तो ये एंड वहीं पर है, तो यहां पर 4EI/L होगा, मतलब ये AMD2 जो है ये 4EI/L हो चुका है। ठीक है, ये हमने देख लिया 4EI/L। अब बात करते हैं AMD3 के बारे में। ठीक है, AMD3 जो है यहां पर ये होगा। ठीक है, मतलब 3-1 AMD 3-1 मतलब थर्ड एंड पर 1 की वजह से क्या इफेक्ट, तो ये भी 1 जो एंड है ये वहीं पर है जहां पर हमने डिफ्लेक्ट किया है उसे, सॉरी डिस्प्लेस किया है उसे, तो ये फिर से 4EI/L हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ एंड की, या फिर हम कह सकते हैं AMD 4-1 मतलब 4 के ऊपर 1 की वजह से, डिस्प्लेसमेंट 1 की वजह से, तो ये कितना होगा फिर से 2EI/L। तो क्या होगा, ये 2EI/L होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इस डिफ्लेक्टेड शेप के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई सेकंड जो डिस्प्लेसमेंट हमने दिया है उसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है। तो यहां पर देखिए AMD 1-2 मतलब 1 के ऊपर 2 की वजह से, डिस्प्लेसमेंट 2 की वजह से 1 के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, तो ये बिल्कुल जीरो रहेगा, क्योंकि देखिए आप डिफ्लेक्टेड शेप देखोगे तो ये डिफ्लेक्टेड का जो इफेक्ट है यहीं पर आ रहा है, यहीं पर सीमित हो रहा है। ठीक है, यहीं पर सीमित हो रहा है, हालांकि यहाँ पे और यहाँ पर इस एंड के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोनों एंड के ऊपर जो है वो जीरो जीरो हो जाएगा। AMD की वैल्यू क्या होगी, जीरो जीरो। तो हम देख लीजिए यहाँ पर कि वन के ऊपर टू की वजह से जीरो है और टू के ऊपर टू की वजह से जीरो है। अब यहाँ पर थ्री के ऊपर टू की वजह से क्या होगा, तो क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट जहाँ दे रहा है उससे दूर है, तो ये 2EI/L हो जाएगा, जिसे कि हम यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट टू की वजह से जो फोर एंड के ऊपर, मतलब AMD 4-2 मतलब यहाँ पर जो एंड 4 है उसके ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है 2 की वजह से, वो कितना हो रहा है, तो यहीं पर है वो स्टैक। ठीक है, वो एंड भी यहीं पर है और डिस्प्लेसमेंट भी यहीं पर दे रहे हैं हम लोग, तो ये फिर से यहाँ पर 4EI/L हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए, तो हमने बड़ी आसानी से AMD निकाल लिया, AML निकाल लिया। ओके, ये जो हमने आगे मैट्रिक्स निकाली है सॉर्ट आउट कर रखा है, जो EI था हमने उसे कॉमन कर लिया है। ठीक है, कैलकुलेट करके। चल, तो हमने क्या किया यहाँ पर कि जो भी चीज़ें अननोन थी वो नोन कर ली है। अब सिंपली हम यहाँ पर AM को निकालेंगे हम लोग। अब देखिए इस मैट्रिक्स को सॉर्ट आउट करना भी बहुत आसान है, मैं फिर से दोहरा दूँ कि अगर आपको नहीं आता तो एक बार सीख लीजिए, समझ लीजिए किस तरह से आपको करना है। यूट्यूब के ऊपर सिमिलरली मैट्रिक्स के ऊपर किस तरह से आपको, इंजीनियरिंग मैथ्स के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से भी जाके उसे सीख सकते हो, या फिर अपने जो फ्रेंड है या टीचर है उनसे आप पढ़ सकते हो। ये इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो या फिर आपके पास कोई दूसरा रास्ता ना हो जो आपको ये सिखा सके कि मैट्रिक्स किस तरह से सॉल्व की जाती है ये, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए, और शर्मने की बिल्कुल बात नहीं है, बेझिझक होकर आप अपने सवाल पूछिएगा। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पर AM को सॉर्ट आउट करेंगे। AML मैट्रिक्स जो है वो -30 +30 -15 +15 है, ये फिक्स एंड मूवमेंट थी जो हमने निकाली थी। AMD जो हमने अभी जस्ट निकाली और D मैट्रिक्स जो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर निकाली थी वो, आपको करना क्या होगा, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को सॉर्ट आउट करना होगा। ठीक है, इन मल्टीप्लीकेशन वाले जो मैट्रिक्स है उन्हें सॉर्ट आउट करना होगा। ठीक है, फिर से आपको बता दूँ क्या करोगे आप, 0.2 इंटू -10.71 प्लस 0 इंटू दिस वैल्यू। ठीक है, उसकी जो वैल्यू आएगी वो आप रखेंगे, उसके बाद 0.4 इंटू दिस प्लस 0 इंटू दिस, उसकी जो वैल्यू आएगी आप यहाँ पर रखोगे। ठीक है, उसी तरह से 0.4 इंटू दिस और 0.4 इंटू दिस प्लस 0.2 इंटू दिस। ठीक है, उसके बाद 0.2, समझ लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, लास्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये 0.2 इंटू दिस वैल्यू प्लस 0.4 इंटू दिस वैल्यू। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इन दोनों मैट्रिक्स को सॉर्ट आउट कर सकते हो। उसके बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी इस मैट्रिक्स के वो ये आपके सामने है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है। इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करोगे आप तो ये तो बहुत आसान तरीका है। ठीक है, इसके अंदर आपको ये मैट्रिक्स मिलेगी फाइनली। इसका मतलब क्या है, ये जो आपको मैट्रिक्स मिली है ये कुछ नहीं बल्कि ये एंड मोमेंट्स है। ये क्या है, एंड मोमेंट्स है।
जिसे हमने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर डिस्कस किया था कि भाई एंड मोमेंट किस तरह से निकाली जाती है, लेकिन यहां पर मैट्रिक्स मेथड को हम यूज कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली उसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं एंड मोमेंट को, ठीक है, जो कि हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट देते हैं इसलिए। तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंड मोमेंट निकल रही है वो आपके बिल्कुल सामने है, ठीक है, ये हमने ले रखा है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, क्या करना है आपको, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फिक्स एंड मोमेंट इनफ नहीं होती, आपको स्पान मोमेंट भी निकालनी होती है, ठीक है। अब वो किस तरह से निकालनी है, तो ये भी हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर से समझ लीजिए कि अगर आपके पास एक पॉइंट लोड दे रखा है स्पान के ऊपर, एक स्पान के ऊपर अगर आपके पास पॉइंट लोड दे रखा है, तो उसका वैल्यू क्या होती है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो किस तरह से निकालेंगे उसकी स्पान मोमेंट, उसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल बाय फोर का। क्या होता है फॉर्मूला उसका, डब्ल्यू एल बाय फोर का होता है, इस चीज को ध्यान रखें। और ये जो आप ए देख रहे हो ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, यहां पर भी पॉइंट फोर ही आएगा, ठीक है। तो चलिए, यहां पर जो मोमेंट होगी ए बी स्पान पर, ए बी स्पान पर कितनी मोमेंट होगी, डब्ल्यू एल बाय फोर, और ए बी के ऊपर 24 का पॉइंट लोड आ रहा है, इसका मतलब ये 24 इंटू एल डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। सिमिलरली बात करें अगर हम बीसी के ऊपर, तो बीसी के भी ऊपर वहां पर पॉइंट लोड सेंटर में दे रखा है, तो डब्ल्यू एल बाई 4 होगा, और वहां पर जो W है वो 12 किलो न्यूटन का है, और यहां पर जो उसका स्पान है वो L जो है वहां पर वो 10 मीटर का है, तो हमने फिर से यहां पर वही लेना है। तो यहां पर इसकी जो वैल्यू आएगी बीसी स्पान के ऊपर जो मोमेंट आएगी वो 30 किलो न्यूटन इंटू मीटर आएगी। तो इस तरह से हमने क्या किया कि फिक्स एंड मोमेंट निकाल ली और उसके बाद स्पान मोमेंट निकाल ली। अब हम क्या करेंगे कि भाई मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम या फिर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहां पे देख सकते हैं, इस तरह से आपको प्लॉट करना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, इसके अंदर आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, वैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर इसे डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है, आप उस वीडियो को देखोगे तो आपके सारे डाउट वहां पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट कर लिया इन मोमेंट की हेल्प से। नाउ अब लास्ट स्टेप हमारा जो इस मेथड का होगा वो होगा मेंबर इन रिएक्शंस, या फिर हम कह सकते हैं शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। शियर फोर्स किस तरह से निकाला जाता है या फिर मेंबर एंड रिएक्शन किस तरह से निकाले जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था इसका एक मेन फॉर्मूला होता है AR इज इक्वल टू ARL प्लस ARD इनटू कैपिटल D। ARL मतलब क्या होता है, रिएक्शन ड्यू टू लोडिंग, और ARD मतलब क्या, ARD मतलब क्या होता है, रिएक्शंस ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट, और कैपिटल डी जो हमने नोडल डिस्प्लेसमेंट की मैट्रिक्स निकाली थी वो है, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं पहले लोडिंग की वजह से जो रिएक्शन होगी वो। तो देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल चीज है, इसको निकालना है आपको अगर, तो क्या करना होगा, देखिए अब यहां पर आप ARL1 की बात करें, ये लोडिंग की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सॉरी रिएक्शन होगा, तो आपको पता है यहां पर 24 का दे रखा है, यहां पर कितना है 24 आ रहा है, इसका मतलब, और ये बिल्कुल सेंटर में है, तो इधर 12 जाएगा और इधर 12 जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ARL1 जो हो जाएगा, इसे हम कह सकते हैं ARL1, ये होगा ARL2 और ये होगा ARL3, ठीक है। ARL1 पर कितना होगा, तो भाई 24 का आधा इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब 12 किलोमीटर हो जाएगा, तो 12 हमने ले लिया। ARL2 क्या होगा, तो देखिए ARL2 के ऊपर 12 इधर से आएगा, और यहां पर 12 किलोमीटर का ऊपर से लोड आया, तो 6 इधर से आएगा, 12 इधर से आएगा, 6 इधर से आएगा, मतलब ये 18 किलो न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। और ARL3 की बात करें, तो 12 ऊपर से आ रहा है, ठीक है, तो 12 का आधा यहाँ पे चले जाएगा, तो ये 6 किलो न्यूटन इधर आ जाएगा। तो इसके अंदर बिल्कुल आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है अब तक की, ठीक है। चलिए, तो ARL1, 2 और 3 हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं ARD की, मतलब डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या यहाँ पर रिएक्शन होगी वो निकाल लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला कौन सा होता है, आपने जो भी ये जो भी आपका बीम है उसको आपको इस तरह से पहले अरेंज करना है, ठीक है। ये आपका पहला होगा और ये दूसरा होगा डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 1 और डिस्प्लेसमेंट 2 आपने दिया है तब, ठीक है। अब जो रिएक्शन होगी वो किस तरह से होगी ये समझ लीजिए, इसे जान लीजिए। चलिए, अगर आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपने बीच में दे रखा है, उसके साइड में दोनों तरफ अगर, या फिर हम कह सकते हैं उसके जस्ट एडजेसेंट साइड पर एक फिक्स एंड सपोर्ट है, तो वहां पर कितना रिएक्शन होगा, वहां पर रिएक्शन होता है -6EIL2। क्या होगा वहां पर, -6EIL2, ठीक है, इस चीज को याद रखें। और अगर यहां पर होगा, ये यहां पर हमने देखा -6IL2, ठीक है। और इस रिएक्शन की बात करें अगर, ये रिएक्शन अगर देखें, तो ये रिएक्शन कितना होगा, ये होगा +6IL2 कितना होगा, ये +6IL2 -6IL2, ये क्या है, तो देखिए ये AR D11 है और AR ये D
टू वन है, मतलब टू के ऊपर वन की वजह से, ठीक है, टू के ऊपर वन की वजह से। देखिए यहाँ पर ये सिक्स ई आई होगा और ये भी सिक्स ई आई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, दोनों को माइनस करना होगा, तब जाके आपको यहाँ पर रिजल्टेंट मिलेगा, उसका मेन जो नेट रिएक्शन होगा वो मिलेगा आपको, जो कि जीरो आ रहा है, ठीक है, और जीरो होना चाहिए। चलिए, और ये ए आर डी थ्री वन जो है वो क्या होगा, तो ए आर डी थ्री वन कितना होगा, देखिए यहाँ पर ये जो ए आर डी थ्री वन है जो कि यहाँ से दूर है, तो ये कितना होगा, ये भी आपका 6EI by L square होगा, कितना होगा, 6EI by L square होगा। एक चीज का खास ध्यान रखें यहां पर कि अगर आपका सपोर्ट या फिर ऐसा पॉइंट जहां पर आपने डिस्प्लेसमेंट दिया है उसके जस्ट एडजेसेंट साइड में हो, तब वहां पर 6EI by L square रिएक्शन होगा। अगर ऐसा कोई सपोर्ट हो जिससे आपके डिस्प्लेसमेंट का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है तो वहां पर जीरो होगा। आगे मैं बताऊंगा आपको, देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर क्या था कि भाई आपका जो सी पॉइंट था वो बी के बिल्कुल बाजू में था, तो यहाँ पर 6EI by L square हो चुका है, ठीक है, ये हमने देख लिया इजिली। अब बात करते हैं इस बीम के बारे में, ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पर क्या, हमने ट्यूब के ऊपर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, इस डिस्प्लेसमेंट का जो इफेक्ट हो यहां पर तो कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि बीच में फिक्स है, तो सारी चीज यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगी आकर। तो ये जो है यहां पर रिएक्शन, यहां पर जीरो आएगा, यहां पर रिएक्शन जीरो होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ए आर डी टू टू की, तो यहां पर फिर से माइनस, ये नीचे की डायरेक्शन में तो क्या होगा, माइनस, और ऊपर की डायरेक्शन में प्लस, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। तो नीचे की डायरेक्शन में माइनस हो रहा है, मतलब माइनस 6i L स्क्वायर, ओके, एल यहां पर 10 होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें 3-2 की, तो यहाँ पर फिर से ये 6EI by L square, ये ऊपर के डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ हम इसे डिनोट करेंगे। तो बड़ी आसानी से हमने क्या किया कि सारी रिएक्शन यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अगर इस रिएक्शन के अंदर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वैसे आपको डाउट यहाँ पर रहना नहीं चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, चीज़ें नहीं जो आपको याद रखनी समझनी है। एक फॉर्मूला है, अगर इफेक्ट हो रहा है तो भाई 6EI by L square, अगर इफेक्ट नहीं हो रहा है तो जीरो, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। और अगर साइन की बात करें तो नीचे के डायरेक्शन में है तो आपको लेना है माइनस, और अगर ऊपर के डायरेक्शन में है तो आपको लेना है प्लस, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पर रिएक्शन सारे कैलकुलेट कर लिए। अब हम इन रिएक्शन के बेसिस पर क्या करेंगे, आगे निकालेंगे AR जो हमने निकालनी है, जो मेन फार्मूला हमारे पास है AR का, मैंने आपको बताया था मेन फार्मूला AR इज इक्वल टू ARL प्लस ARD इनटू कैपिटल D। देखिए ARL हमने निकाला है 12, 18 और 6, ठीक है, आपको पता होगा शायद 12, 18 और 6 है, और ARD हमने भी निकाला है, दैट इज पॉइंट माइनस 0.60 और 0.06, 0 माइनस 0.06 और 0.06। ये किस तरह से हमने अरेंज किया है, अगर आप एक बार फिर से उसे देखोगे तो आपको पता चलेगा, सारी चीज़ आपको यहाँ पर पता चल जाएगी किस तरह से मैट्रिक्स के अंदर हमने अरेंज किया है, ठीक है। थोड़ा सा अपने दिमाग के ऊपर जोर डालोगे तो आपका दिमाग, आपका माइंड थोड़ा शार्प भी होगा और आपको जो चीज़ अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए उस तरह से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। खुद से जितनी मेहनत करोगे वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। चलिए, तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये ए आर डी यहाँ पर निकाली है, ए आर डी हमने क्या निकाला यहाँ पर, ये हमने जो अभी निकाला था वो रख दिया सिंपली, और डी मैट्रिक्स जो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर निकाला था वही आपको रखना है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो अब क्या करना है आपको, इसे फिर से सॉल्व आउट करना होगा। सॉल्व किस तरह से करना है, मैंने आपको बताया था कि माइनस 0.06 इंटू दिस वैल्यू प्लस 0 इंटू दिस वैल्यू, तो जो वैल्यू आएगी आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है, वो सारी चीज़ हमने इस तरह से कैलकुलेट कर ली। बाद में इसे आपको प्लस करना है तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, आपको ये रिएक्शंस मिलेगी। ये क्या है, रिएक्शंस है आर ए, आर बी और आर सी के, ठीक है, मतलब आर ए के ऊपर 12.642 है, उसके बाद आर बी के ऊपर 19.94 है, और आर सी का जो रिएक्शन होगा वो 3.43 है। तो आपने रिएक्शन सारे निकाल लिए, ओके, आपके पास एक्शन ऊपर से है, आपको रिएक्शन मिल चुके हैं, अब आप शियर फोर्स डायग्राम सिंपली ड्रॉ कर सकते हो। देखिए, अब शियर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करना भी एक बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, किस तरह से करते हैं समझ लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक बहुत सिंपल तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, आपको करना क्या है, आपको पहले यहाँ जो सी पॉइंट है, आपको हमेशा यहाँ से आगे बढ़ना है, ठीक है, आपको सी से आगे जाना है, इस तरफ से आपको इस तरफ जाना है, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई मेथड और माई एक्सपीरियंस, ठीक है। आपको कई जगह दूसरा कोई मेथड भी बता सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो गलत है या मैं गलत हूँ, दोनों सही है लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले ये देख लीजिए कि भाई आर सी या सी पॉइंट पे एक्शन है या रिएक्शन है, ठीक है, लोडिंग क्या है, यहाँ पर रिएक्शन आ रहा है 3.43। अब देखिए नीचे से अगर आपको लग रहा है रिएक्शन तो उसको आपको माइनस में जाना है, और ऊपर से लग रहा है तो उसको प्लस कंसिडर करना है, ठीक है। अब माइनस मतलब ये जो आपको पहले क्या करना होता है, पहले इस लाइन को आप पहले ड्रॉ कर लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और जो आपके पॉइंट है बी है ए है और सी है, तो इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आप सी पॉइंट पर रहिए,
अपने पेन को आप सी पॉइंट पर रखिए और सी के ऊपर देखिए कि भाई नीचे से 3.43 किलो न्यूटन लग रहा है नीचे से, ठीक है, नीचे से है। इस चीज़ को याद रखें, ध्यान रखिए इस चीज़ का। इसका मतलब भी माइनस में है तो आपको ऊपर नहीं जाना है, आपको लाइन ऊपर एक्सटेंड नहीं करनी है, आपको लाइन नीचे एक्सटेंड करनी है 3.43। आपके अंदाज से जो भी करना है आप कर सकते हो, ठीक है। तो 3.43 हमने यहाँ पर अपनी लाइन एक्सटेंड कर ली है, ठीक है। अब देखिए ये जो स्पान है, अब आगे जाते रहिए, इसको आगे एक्सटेंड करते रहिए। आप कब तक एक्सटेंड करोगे इसे आगे? जब तक कि ऊपर से कोई लोड ना आ जाए या फिर नीचे से कोई लोड ना आ जाए। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर ऊपर से 12 किलोन्यूटन का लोड आ रहा है, इसका मतलब क्या, आपको यहाँ रुकना है और ये जो 3.43 है इसके अंदर आपको इसको ऐड करना है। मतलब क्या है, ऊपर से आ रहा है लोड है, नीचे की डायरेक्शन मतलब ऊपर से आ रहा है, तो ये 12 आपको प्लस लेना है और आपकी जो वैल्यू थी अब तक माइनस में थी, माइनस 3.43 थी, आपको प्लस करना होगा उसके अंदर 12। तो माइनस 3.43 प्लस 12 करोगे आप तो आपको 8.57 मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? 8.57। अब फिर से आगे यहां पर बढ़ जाइए, आगे बढ़ोगे कब तक बढ़ना है आपको? जब तक कोई दूसरा लोड आपके सामने ना आ जाए, ठीक है। तो ये कितना लोड आ रहा है, ये रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन कितना है? 19.93, जो कि माइनस है, ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो ये माइनस है, तो आपको आपकी वैल्यू यहाँ पर कितनी थी? प्लस के अंदर थी, प्लस 8.57 था। आपको फिर से क्या करना होगा? माइनस 19.93 करना होगा। तो ये आपको जो वैल्यू मिलेगी फिर से माइनस में आ जाएगी, माइनस 11.36। आप यहाँ पर आ चुके हो, यहाँ पर कहीं आ चुके हो, ठीक है। ये माइनस 11.36 आ चुका है। फिर से आपको क्या करना है? आपको आगे यहाँ से एक्सटेंड करना है अपनी लाइन को, कैरी ओवर करना है, ठीक है। अब कहाँ तक करना है आपको? जब तक आपके आगे कोई दूसरा एक्शन या रिएक्शन ना हो, ठीक है, लोडिंग ना हो। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से फिर से लोडिंग आ रही है 24 की, तो आपको यहाँ पर रुक जाना है। और ये क्योंकि माइनस 11.36 था तो आपको प्लस करना है, ऊपर से आ रहे तो प्लस करना है, तो ये प्लस 24 कर देना, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो प्लस 12.642 मिलेगी। कितनी मिलेगी यहाँ पर? प्लस 12.64। फिर से आपको इसको एक्सटेंड कर देना है। क्या करना है आपको? फिर से यहाँ पर एक्सटेंड कर देना है। अब यहाँ पर आप एक्सटेंड आ चुके हो, एंड जो एंड पॉइंट है यहाँ पर आ चुके हो, यहाँ पर रिएक्शन कितना लग रहा है? यहाँ पर रिएक्शन फिर से 12.642 किलो न्यूटन लग रहा है। तो बस आपको ऊपर प्लस थे आप, ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस और माइनस यहाँ पर बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो आप ये जीरो पे आ चुके हो, इसका मतलब आपका शेयर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल सही तरीके से। इसके अंदर आपको बिल्कुल दिक्कत फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बावजूद अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वैसे यहाँ पर हमारा स्टीफनेस मैट्रिक्स मेथड बिल्कुल कंप्लीटली कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करिएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।